हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम 16th एंड 17th ऑफ जून के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरी क्लास हो नहीं पाई थी करंट अफेयर्स की, इसलिए मैंने मॉर्निंग 7 AM पर एक वीडियो बनाया था। आई होप आपने देख लिया होगा। 7 AM की जो क्लास थी उसमें हमने 14th एंड 15th ऑफ जून के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जैसे कि इंडेक्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस कर लिया था विथ MCQ। अब इस सेकेंड पार्ट है जिसमें हम 16th और 17th ऑफ जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट डेज, फिर उसके बाद G7 समिट जो रिसेंटली कंक्लूड हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था, उसके कुछ एजेंडाज और क्या कंक्लूजन निकला है वो देख लेंगे। फिर हम बात करते स्टेट न्यूज़ पे, तो यहाँ पर कुछ स्टेट न्यूज़ हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स को लॉन्च किया है, हम वो देख लेते हैं। और फिर आपके MCQ हैं और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, ये जो दोनों क्लासेज है 14 एंड 15 करेंट अफेयर्स एंड 16 एंड 17 ऑफ जून के करेंट अफेयर्स, इन दोनों क्लासेस के जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA247 या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर भी लिंक पोस्ट की गई है, तो आप इजीली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके है, इसके अलावा SSC का कैलेंडर आउट हुआ था, उस पर भी एक छोटा सा वीडियो है अराउंड 10 मिनट का, आप उसे देख सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले 16th ऑफ जून, 16th ऑफ जून को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस सेलिब्रेट किया था। आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोग माइग्रेंट होते हैं, अलग अलग देशों में जाके जॉब करते हैं और वहां से अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। सो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस हमने 16th ऑफ जून को सेलिब्रेट किया और इस दिन को डेजिग्नेट या रिकोगनाइज किसने किया है, तो यूनाइटेड नेशन और कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको एक्नॉलेज करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है? डिजिटल रेमिटेंस टूवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द कॉस्ट रिडक्शन, ये आपको थीम देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करेंगे हम G7 समिट के बारे में। तो ये 50वें नंबर का G7 समिट मीटिंग थी और इसको होस्ट किसने किया था? इटली ने किया था। यहाँ पर आपको मेलोनी दिखाई दे रही हैं जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो G7 समिट में पार्टिसिपेट करने गए थे, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज इन्वाइटेड बाय द इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी टू पार्टिसिपेट इन द आउटरीच सेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, अफ्रीका, आपका मेडिटेरियन सी के कॉन्फ्लिक्ट, इसके अलावा आपका जो इजराइल और गाजा का वॉर है और रशिया और यूक्रेन का वॉर है, इन सब मैटर्स पर डिस्कशन बेसिकली इस पर्टिकुलर सेशन में हुए। दिस वॉज द 5th टाइम जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7 समिट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके पहले आप देखेंगे 2019, 2021, 2022, 2023 में ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने G7 समिट में पार्टिसिपेट किया था, मतलब ये 5th टाइम पार्टिसिपेट कर रहे थे इक्वल टू द डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी 5 टाइम G7 समिट को अटेंड किया है, ठीक है। इतनी चीजें। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने G7 समिट को अटेंड किया था? तो आंसर हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी इन 2003। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे डिस्कशन की बात करते हैं, क्या डिस्कशन किया गया? तो सबसे पहली बात, यहाँ पे यूक्रेन के सपोर्ट पे डिस्कशन किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है G7 में जो जनरली कंट्री है वो यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, यूरोप की कंट्रीज हैं और वो रशिया के खिलाफ है। तो यहाँ पे रशिया ने बहुत सारे असेट को सीज कर लिया है यूक्रेन के, तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल सपोर्ट एंड लोन देने की बात की गई है, मतलब यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है। एट द G7 समिट मीटिंग द मेंबर कंट्री सपोर्टेड द यूक्रेन इन इट फाइट अगेंस्ट द रशियन इन्वेजन, ठीक है। इस मीटिंग के दौरान, इस समिट में क्या किया गया, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने 10-ईयर सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है यूक्रेन के साथ। सिक्योरिटी एग्रीमेंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि USA अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करेगा यूक्रेन में, नहीं। USA यहाँ पे जो हथियार है, वॉर के लिए जो भी सामान की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। यूनाइटेड स्टेट विल प्रोवाइड मॉडर्न आर्म एंड एमिनेशन टू द यूक्रेन, बट इट विल नॉट हेल्प यूक्रेन इन इट्स वॉर विथ रशिया बाय सेंडिंग अमेरिकन ट्रूप टू द यूक्रेन। तो ट्रूप नहीं भेजेगा, बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। G7 कंट्री एग्री हुई है कि $50 बिलियन का लोन, $50 बिलियन का लोन यूक्रेन को दिया जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें। अब नेक्स्ट समिट क्या होगी? तो जैसे कि हमारी ब्रिक्स की समिट होती है ना, ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है अभी रशिया के पास है, तो ब्रिक्स की समिट कैसे होती है?
रोटेशन बेसिस पे होती है। वैसे G7 की जो समिट का अगला चेयरमैन होगा वो रोटेशन बेसिस पे होगा। तो नेक्स्ट जो 51st नंबर की समिट होगी वो कहाँ पर होगी? आंसर हो जाएगा कनाडा में होगी 2025 में। तो 2025 में अगली मीटिंग को होस्ट करेगा कनाडा, जो कि 51st नंबर की मीटिंग होने वाली है। इसके अलावा और क्या बात की गई यहाँ पर? अफ्रीकन कंट्रीज, आपको पता है जो मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, और उनके डेवलपमेंट करने का प्लान यहाँ पे रेडी किया गया है। तो फॉस्टरिंग पार्टनरशिप विद अफ्रीकन कंट्री, तो यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन एजेंडा जो 2063 का है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में डेवलपमेंट की बातें करता है, और G7 कंट्री इनको सपोर्ट करेगा इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, इस बार जो G7 समिट हुआ था इसमें इंडिया के अलावा अगर आप देखोगे तो और भी कंट्रीज को इनवाइट किया गया था। टोटल 12 डेवलपिंग कंट्रीज के लीडर को G7 समिट में इनवाइट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा मेलोनी का अपना एक पर्सनल प्लान है, मतलब इटली का अपना एक पर्सनल प्लान है जिसका नाम है मतेई प्लान। तो ये जो मतेई प्लान है, मतेई प्लान में बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका के जो भी रीजन है उनमें डेवलपमेंट करना है। तो इस प्लान के लिए यहाँ पर ग्रांट और लोन देने की बात की गई है। कितना? 5.5 बिलियन यूरोज यहाँ पर दिया जाएगा अफ्रीकन कंट्री में टू हेल्प देयर इकोनॉमी। ठीक है, इतनी चीजें डन। इसके अलावा इटली ने यह भी कहा है कि हम हाइड्रोजन पाइपलाइन भी डेवलप करेंगे बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। ये सारी बात मेलोनी ने कही है। अब G7 की बात करते हैं, तो G7 का ओरिजिन एज अ G6 हुआ था। पहले G6 कंट्री हुआ करती थी इन 1975, जिसमें USA, फ्रांस, इटली, जापान, UK और वेस्ट जर्मनी था। बाद में कनाडा ने इसको ज्वाइन कर लिया था इन 1976, जिसके बाद इसे हम G7 कहते हैं। कुछ समय के लिए G8 भी हुआ था, बिकॉज रशिया ने इसे 1997 में ज्वाइन किया था और G8 हो गया था। बट यहाँ पे जब इसने क्रीमिया को एनेक्स किया और उसके बाद इसे रिमूव कर दिया गया था G7 से। ठीक है, डन। चलिए अब कुछ और बातें कर लेते हैं। जोमेटो सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मुंबई। सो यहाँ पर इन सिंगल लोकेशन, एक ही वेन्यू में, एक ही प्रमाइसेस में 4,300 जो डिलीवरी पार्टनर है जोमेटो के, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड। और ये अपने आप में रिकॉर्ड बन गया कि सिंगल वेन्यू में इतने सारे लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई, और इसलिए ये पूरा मामला जोमेटो ने गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, फाउंडर कौन है? तो आंसर हो जाएगा दीपेंद्र गोयल है, और कंपनी का फॉर्मेशन 2008 में हुआ था। 2008 की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनाउंस थर्ड एडिशन ऑफ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान का थर्ड एडिशन यहाँ पे अनाउंस किया है। पहला एडिशन या पहले जो अवार्ड थे वो 2020 में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। डन। अब ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो कोई भी, जैसे कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, टेलीविजन या रेडियो, और कैसे वो काम करते हैं? टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द योगा। तो अवार्ड रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडिया इन स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ योगा। तो यहाँ पे अभी सबमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है, जो लोग भी सबमिट करना चाहते हैं अपना नाम, तो सबमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है 8 जुलाई तक, और फिर बाद में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये थर्ड एडिशन है जिसमें टोटल 33 अवार्ड 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, बेस्ट मीडिया कवरेज इन योगा इन न्यूज़पेपर एंड इन टीवी और इन रेडियो। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक, नेक्स्ट है आसाम गवर्नमेंट। ये है आसाम के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है? हिमंत विश्व शर्मा। और इन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है, आसाम गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन एंड एंड चाइल्ड मैरिज। तो यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना है। गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट होगी, बच्चियाँ स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है जो चाइल्ड मैरिज है वो डिक्लाइन होगी। ठीक है, और इस स्कीम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री निजोत मोयना स्कीम टू प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन एंड द एंड चाइल्ड मैरिज इन द स्टेट, जिसके लिए नेक्स्ट 5 ईयर में 1500 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। तो टोटल बजट 1500 करोड़ का है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, एंड फर्स्ट ईयर 300 करोड़ रुपीज दिए जा रहे हैं अंडर दिस स्कीम। अब इस स्कीम में क्या क्या होगा जरा देख लेते हैं। तो पहली चीज तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गर्ल चाइल्ड है और जो हायर एजुकेशन पढ़ना चाहती हैं, जिसमें लगभग 10 लाख गर्ल्स स्टूडेंट को फायदा होगा इस स्टेट में। तो गर्ल्स स्टूडेंट या गर्ल स्टूडेंट इनरोल इन द हायर सेकेंडरी एजुकेशन। अगर कोई गर्ल हायर सेकेंडरी एजुकेशन में इनरोल करती है तो उसको पर मंथ 1000 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और अगर कोई गर्ल
ग्रेजुएशन करना चाहती है, वो थ्री ईयर का डिग्री कोर्स या 4 ईयर का डिग्री कोर्स करती हैं, तो वहाँ पर 1200 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। और अगर कोई गर्ल स्टूडेंट PhD करती है, मास्टर्स करती है या BEd करती है, तो 2500 रुपीज पर मंथ यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा बाय द आसाम गवर्नमेंट। तो ये है पूरी आपकी स्कीम। चलिए अब यहाँ पर एक और स्कीम न्यूज में है, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK Stalin ने लॉन्च की है। नाम क्या है? तो चीफ मिनिस्टर मनियोर कथू मनियोर कप्पम स्कीम। ठीक है, ये स्कीम किसके लिए? इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ अक्रॉस द तमिलनाडु, इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। एंड 206 करोड़ रुपीज का बजट है टू एम टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल अक्रॉस द स्टेट, जिसके अंदर यहाँ पे फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि आपको जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करना, कैसे आपको ग्रीन मैन्योर मेथड का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो भी स्टार्टअप्स होंगे, स्टार्टअप के लिए भी 20 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। और कोई भी फार्मर है जो कि आपका ट्रैक्टर या दूसरी मशीनरी परचेस करना चाहता है, तो उनको नॉमिनल कॉस्ट पे या मिनिमम इंटरेस्ट पे लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। तो लगभग 2 लाख फार्मर्स को यहाँ पे फायदा होगा। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट की आपको स्कीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जोशी मठ के बारे में। तो जोशी मठ कहाँ है? उत्तराखंड में है, और इसे हम गेटवे टू द बद्रीनाथ भी बोलते हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए आपको जोशी मठ से गुजरना पड़ता है। अभी यहाँ पे NTPC की जो टनल थी वो कोलैप्स हो गई थी, जमीन धस रही थी, आप लोगों ने न्यूज में डेफिनेटली पढ़ा होगा। जोशी मठ को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य, इन्होंने इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति की थी 8th century में, इसलिए जोशी मठ बहुत फेमस है। बट रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है रीनेम करने का, इसका नाम चेंज करने का। क्या कोई स्टेट ऐसा कर सकता है? तो बिल्कुल हाँ। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 3 देखते हैं, तो बिल्कुल किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी होती है कि वो यहाँ पे रेलवे स्टेशन या किसी प्लेस का नाम चेंज कर सकता है। तो जोशी मठ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ कर दिया है। क्या कर दिया है? ये ज्योतिर्मठ आपको देखने को मिलेगा, जोशी मठ का नाम। इसके अलावा एक और प्लेस है जिसका नाम है कोशिया कुतोली, और इसका नाम चेंज करके कैंची धाम कर दिया है। बेसिकली बाबा नीम करोली महाराज जी को ट्रिब्यूट करने के लिए ये नाम किया गया है। तो ये 2 नाम अभी रिसेंटली चेंज किए हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ठीक, चलिए अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो मध्य प्रदेश CM लॉन्च PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस फ्रॉम भोपाल। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है मोहन यादव। इन्होंने रिसेंटली PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस की शुरुआत की है, और पहली फ्लाइट शुरू की है कहाँ से? भोपाल से। और ये जो आपकी PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस है, ये आपकी इंट्रा सिटी मतलब मध्य प्रदेश की 8 अलग अलग सिटीज हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये आपकी एक इंट्रा सिटी सर्विस आप कह सकते हैं, इंट्रा स्टेट एयर सर्विस फैसिलिटी बेसिकली स्टार्ट की गई है टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट। तो कई सारी यूनेस्को साइट मध्य प्रदेश में है, जैसे कि भीमबेटिका है, खजुराहो के मंदिर हैं, और ओरछा को भी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, डोमेस्टिक मतलब इंडिया से भी आते हैं और इंडिया के बाहर से भी आते हैं। तो उनको एक बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस की शुरुआत की है बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, या मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया है विद द पार्टनरशिप ऑफ जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 8 सिटीज जिनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली एंड खजुराहो। खजुराहो तो वैसे भी यूनेस्को की साइट है, जहां पे आपको कई सारे चंदेल राजाओं के मंदिर जैसे कि कंदरिया महादेव जैसे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। तो इंडिया का पहला सिविलियन हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर भी स्कूल जो है वो ओपन किया गया है कहाँ पे? खजुराहो में। और स्टेट गवर्नमेंट ने PM श्री रिलीजियस टूरिज्म हेली सर्विस की शुरुआत की है। तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी है जो कि आप देखेंगे ओमकालेश्वर, महेश्वर जैसे आपके रिलीजियस प्लेसेस को कनेक्ट करेगा। तो ये सारे इनिशिएटिव रिसेंटली MP गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ और भी कहा है। क्या कहा है? सेट टू अलाउ शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट टू स्टे ओपन 24 आवर्स। तो जो भी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो आपकी 24 घंटे 24x7 अब ओपन रहेंगी मध्य प्रदेश में। और पायलट बेसिस पे इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जा रहा है फ्रॉम भोपाल, एंड धीरे धीरे एंटायर स्टेट में इसको अप्लाई किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश आपका 7th नंबर का स्टेट बन गया है जिसने तरीके की पॉलिसी बनाई है कि 24x7 आपकी जो शॉप्स है, बिजनेसेस है, वो ओपन रहेंगे, जिससे एक ग्रेटर रेवेन्यू जनरेट हो और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो। ठीक है,
कौन कौन से हैं वो 7 स्टेट? तो मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इस तरीके की पॉलिसी को ऑलरेडी अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। डन। नेक्स्ट, मालाबार रिवर फेस्टिवल टू बी हेल्ड फ्रॉम 25th of July टू 28th of July इन कोझीकोड। कोझीकोड कहाँ पर है? केरला में है। सो एवरी ईयर मालाबार रिवर फेस्टिवल केरला में होता है और इस साल ये 10th नंबर का एडिशन है, जिसमें आप देखेंगे 20 कंट्रीज के जो कयाक्स है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मालाबार रिवर फेस्टिवल 25th of July टू 28th of July कहाँ होगा? कोझीकोड में होगा। और पहला एडिशन कब हुआ था? 2013 में, 2013 में हुआ था। चलिए, अब एक और यहाँ पे मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिशन निश्चय। तो आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस लॉन्च मिशन निश्चय, ठीक, इन बॉर्डर विलेज टू गैदर इंटेलिजेंस अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पे जो पंजाब और पाकिस्तान या इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे लगभग 42 विलेजेस हैं और उन 42 विलेजेस में पंजाब पुलिस ने BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जो विलेज डिफेंस कमिटीज हैं उनके साथ मिलकर इस मिशन निश्चय को लॉन्च किया है। लगभग एक हफ्ते तक ये ड्राइव चलने वाली है। इससे क्या किया जाएगा? इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाएगा कि कहाँ से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, कहाँ पर ड्रग्स की डिमांड है और इन सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज को रोका जाएगा, ठीक है। डन। इतनी चीज़ें कहाँ पर होगा? तो मिशन निश्चय की शुरुआत पंजाब के फजीलका डिस्ट्रिक्ट में की गई है, क्योंकि अगर हम पंजाब और पाकिस्तान की बॉर्डर देखते हैं तो टोटल बॉर्डर आपकी 553 किलोमीटर लॉन्ग है और लगभग 108 किलोमीटर की जो बॉर्डर एरिया है वो आपको फजीलका डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो 42 विलेजेस हैं वहां पर पंजाब पुलिस ने मिशन निश्चय की शुरुआत की है। डन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, सतनामीज प्रोटेस्ट। तो सतनामी, आपसे सिंपल इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, सतनामी ट्राइब या कम्युनिटी जो रिसेंटली न्यूज में थी वो किस स्टेट में बिलोंग करती है? सिंपल सी बात है, हुआ क्या है पहले न्यूज को समझते हैं। तो यहाँ पे अ लार्ज मॉब फ्रॉम द सतनामी कम्युनिटी, तो एक बहुत ज्यादा भीड़ थी सतनामी कम्युनिटी की और उन्होंने क्या किया, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने यहाँ पे पुलिस का जो ऑफिस है उसको आग लगा दी और उस पर हमला बोल दिया था, ठीक है। ये काम किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पे जैत खम जो कि एक विक्ट्री प्लेयर है और एक सेक्रेड स्ट्रक्चर है सतनामी कम्युनिटी का, ऐसा इनका कहना है कि इसको इंसल्ट किया गया, इसको इज्जत नहीं दी गई, इसको इंसल्ट किया गया, इसलिए इन्होंने ये काम किया। इसके अलावा सतनामी इसका ये कहना है कि वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार वो डिमांड उठाते हैं अपने लैंड राइट्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विस के लिए, लेकिन गवर्नमेंट उनकी बातें नहीं सुन रही। इसलिए जो मॉब थी या भीड़ थी, गुस्साई हुई भीड़, उन्होंने यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP के ऑफिस में अटैक कर दिया। इसलिए सतनामी जो आपको ट्राइब है या कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ की, वो आपको न्यूज में देखने को मिल रही है। सतनामी कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, इंक्लूडिंग द इसमें पीजेंट, मतलब आपके किसान, आर्टिस्ट, अनटचेबल सभी लोग यहाँ पे शामिल हैं, ठीक है। इतनी चीजें। अब जो सतनामी ट्राइब है छत्तीसगढ़ में है और इसकी शुरुआत, इट वॉज फाउंडेड बाय द गुरु घासीदास इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में आप देखेंगे ये जो जैतखम्ब है इसको बनाने का काम गुरु घासीदास जी ने किया था। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है उसका नाम भी गुरु घासीदास नेशनल पार्क करा है गुरु घासीदास जी के सम्मान में। तो ये है आपकी सतनामी प्रोटेस्ट जो कि छत्तीसगढ़ में है। आपको इस प्रोटेस्ट की वजह जानने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की कम्युनिटी है, खत्म, ठीक। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी 3-4 इंपॉर्टेंट न्यूज बाकी है, ठीक। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री निजोत मोइना स्कीम? अभी हमने देखा है आसाम गवर्नमेंट की स्कीम है और 5 सालों के लिए 1500 करोड़ रुपीज यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द रशिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? तो CSTO मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से विथड्रॉ करने की बात कौन सी कंट्री कर रही है? तो आंसर कर रहा है अर्मेनिया। एक्चुअली अर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ चार्जेस लगाए हैं रशिया और अदर कंट्रीज में कि ये लोग सब मिलकर अलायंस बना रहे हैं और अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे ऊपर हमला करेंगे, ठीक है। लिखा है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैविंग प्लान्ड अ वॉर अगेंस्ट हिज कंट्री विद अजरबैजान, क्योंकि अजरबैजान और अर्मेनिया की कॉन्फ्लिक्ट तो सभी को पता है, करेक्ट। इसलिए अर्मेनिया ने इस जो सिक्योरिटी ब्लॉक है इससे विथड्रॉ करने की बात की है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉस्को में है। 1992 में फॉर्मेशन हुआ था। अर्मेनिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इस सब ब्लॉक के मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर
टू प्रमोट ग्लोबल टूरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कल्चर एक्सचेंज स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th ऑफ जून। तो इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर कहां पर सेलिब्रेट हो रहा है? आंसर हो जाएगा नेपाल इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है श्रुति बोरा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम श्रुति बोरा, हु वॉज सीन इन द न्यूज, जो कि अभी न्यूज में देखी गई है। इन्होंने कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट किया है, पूछा जा रहा है कि किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। सो आंसर हो जाएगा इक्वेस्ट्रियन, मतलब आपकी घुड़सवारी से श्रुति बोरा एसोसिएटेड है और ये फर्स्ट प्लेयर या फर्स्ट इंडियन राइडर बन गई है जिन्होंने 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट को जीता है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं राजीव तारानाथ, जिनके बारे में कल हमने डिस्कशन किया था, ही पास्ड अवे इन मैसूर, जो कि एक सरोद वादक है, सरोद इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का काम करते हैं। पूछा जा रहा है कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड कब मिला, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन SSC के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे और जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे आपके वो सारे फ्रेंड्स जो SSC, रेलवे, डिफेंस या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उनके साथ भी लिंक को शेयर कर सकते हैं, और पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, चलिए नेक्स्ट है, फोर्थ टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा और ये फोर्थ नंबर का टाइगर रिजर्व हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा सुहिलबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल बी होस्टिंग द FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप इन दिसंबर 2025। कोई भी इंटरनेशनल या बड़ा इवेंट जो इंडिया होस्ट करता है तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हेडलाइंस बन जाती है। तो ये जो FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है दिसंबर 2025 में इंडिया इसे होस्ट करेगा। क्या इंडिया ने इसके पहले होस्ट किया है? आंसर है यस। अगर आप देखेंगे 2013 में न्यू दिल्ली में, 2016 में लखनऊ में और 2021 में भुवनेश्वर में, हम इस टूर्नामेंट को ऑलरेडी होस्ट कर चुके हैं और पहली बार इस टूर्नामेंट में 24 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो लास्ट एडिशन 2023 में हुआ था वो मलेशिया में हुआ था और जर्मनी ने FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को जीता था। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिथुना संक्रांति या फिर राजा पर्व। तो राजा पर्व से एसोसिएटेड स्टेटमेंट है, राजा जो पर्व है वो एनुअली सेलिब्रेट होता है उड़ीसा में और जब मॉनसून अराइव होता है उस समय इसे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, वॉट इज द टाइटल ऑफ नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री दैट विल किक ऑफ द स्क्रीनिंग एट द 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक कोई मूवी है जिसको यहाँ पे स्क्रीन किया जा रहा है, उसका नाम पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा बिली एंड मोली एन ऑटर लव स्टोरी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच मेजर इंडियन पोर्ट मेड इट इन टू द टॉप 20 इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बताया था और इस इंडेक्स में इंडिया में टॉप 20 में कौन सा है, तो विशाखापत्तनम पोर्ट आपको मिल जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने मिशन निक्षय को स्टार्ट किया है एसोसिएशन विद BSF एंड विलेज डिफेंस कम्युनिटीज या कमिटीज। सो आंसर इज पंजाब, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, साउलोज क्लॉज सिलीमा हु रिसेंटली पास्ड अवे इन द प्लेन क्रैश, किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट थे? तो आंसर जाएगा मलावी, मलावी के वाइस प्रेसिडेंट थे, अभी हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। कौन अपॉइंट हुए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, वॉट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च बाय द NCRB टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू क्रिमिनल लॉ। तो यहाँ पे जो हमारे देश के 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं वो 1 जुलाई से इफेक्ट में आ जाएंगे। तो इन तीनों लॉज की डिटेल इन्फॉर्मेशन विथ इंडेक्स, इनका कंपाइलेशन के लिए एक एप्लीकेशन एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी और एप्पल यूजर्स के लिए भी लॉन्च किया है, उसी एप्लीकेशन का नाम पूछा जा रहा है। तो NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं NCRB संकलन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, जिसमें हमारे तीनों क्रिमिनल लॉज आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों का कंपाइलेशन आपको इसमें मिल जाएगा और ये तीनों लॉ 1 जुलाई से इफेक्ट में आ जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो भी पर्सन इन लॉज को जानना चाहते हैं, इनके सेक्शन को जानना चाहते हैं, जनरल पब्लिक हो गई, कोर्ट ऑफिसर्स हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट हो गए, तो सभी लोग यहाँ से इन लॉज को पढ़ सकते हैं। सारे चैप्टर्स को यहाँ पे लिंक कर दिया गया है, ठीक है।
अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात करें तो 11th ऑफ मार्च 1986 को इसका फॉर्मेशन न्यू दिल्ली में हुआ था और इसकी एजेंसी एग्जीक्यूटिव है विवेक गोगिया। ठीक, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। यहाँ पे चार स्टेटमेंट है, पूछा जा रहा है कि निजोत मोइना स्कीम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंट अफेयर्स के साथ। टेक केयर।